तो हमें सबसे पहले पेनलेस आईब्रो बनाने के लिए हमें कोई भी एक थ्रेड चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आईब्रोज रील आती है आप वही यूज करो। कोई भी थ्रेड चलेगा। आपके घर में जो स्टिच करने वाला रहता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अराउंड यहाँ पे मैंने 1 फुट अराउंड इतना लिया हुआ है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे कि इसको हम अपने ये दोनों जो रहते हैं एंड्स उसके, ये उसको हम पहले बंद कर लेंगे। उसके यहाँ पे नॉट लगा लेंगे हम। तो नॉट लगाना है और इस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से पूरा मैंने ऐसे हो जाना चाहिए, पूरा राउंड सर्कल बनना चाहिए। तो इस तरह से हमें नॉट बना लेना है। नॉट बनाने के बाद अभी हम जहां हमें आईब्रो करनी है तो वहां पे हमें ऐसे टेलकम पाउडर हमें लगा लेना है, इस तरह से पूरे आईब्रो के एरिया में। क्योंकि उससे क्या होगा, पाउडर, एक बात बता दूं कि टेलकम पाउडर लगाने से आईब्रो खिंचता नहीं है, वो एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। टेलकम पाउडर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर स्वेटिंग वगैरह आ गई है तो वो स्किन ड्राई रहे और इजीली थ्रेड के अंदर हमारे जो हेयर है वो पकड़ में आ जाए, इसलिए हम टेलकम पाउडर लगाते हैं। बाकी ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा पाउडर लगाने से हमें खींचता नहीं, खींचता तो वैसे ही है, लेकिन ये जो हम आज करने वाले हैं उससे आपको इतना पेन नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये नॉट वाला था उसको हमें अपने ये 3 उंगली में इस तरह से पकड़ लेना है और इस तरह से यहाँ पकड़, फिर इसको इस तरह से ट्विस्ट करना है 5 से 6 बार, इस तरह से ट्विस्ट करना, आप देख सकते हो इस तरह से। फिर एक पोर्शन को ऐसे करेंगे, दूसरे को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अभी जहां पे जो हमारा आईब्रो का एरिया है तो वहां पे इस तरह से हमें इसको रखना है और पीछे की तरफ जा देना है, ऐसे जाने देना है। जैसे अब ये किया, फिर यहां से इसको ऐसे हम ऐसे करेंगे तो पूरा यहाँ जो हेयर आ जाएंगे ना तो वो पूरे निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो ट्विस्ट किया हुआ है ना वो हेयर को पुश करेंगे और उसमें हेयर फंस के निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें इस तरह से ऐसे करके ऐसे करना है, पूरा इसको ब्रॉड करना है तो वो पीछे की तरफ हेयर फंस, इसमें पहले हेयर को फंसाना है फिर इसको ऐसे करके ऐसे निकाल देना है। फिर इस तरह से पूरा एक एक करके इसे निकालना है और उसके बाद हम ऊपर भी ऐसे शेप के पास ऐसे पूरा धागा लेके फिर इसको ऐसे करके फंसाना है हेयर को और फिर इस तरह से निकालना है। इस तरह से आप अपने फोरहेड है, अपना अपर लिप से वो आप अच्छे से कर सकते हो पूरा इस तरह से। अगर हम ये तरफ करते हैं तो इस तरफ से पुश करना है, ये तरफ के आईब्रो करते हैं तो इस हैंड से हमें पुश करना है। तो अगर थोड़ा सा लगेगा आपको कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली कर सकते हो, इससे इतना पेन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी आईब्रो अगर थिन है तो उसको ग्रो हम कैसे कर सकते हैं। तो 2 रेमेडीज है ग्रो करने के लिए। फर्स्ट है, बहुत इजी है, आपके पास वैसलीन तो होगा, तो रोज रात को अगर सोते टाइम आप वैसलीन लगा लीजिए अपने आईब्रो पे, बेस्ट है आपके आईब्रो ग्रो करने के लिए। और दूसरा हाँ रेमेडी से कैस्ट्रोल ऑयल, कैस्ट्रोल ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में भी अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको। तो वहां कैस्ट्रोल ऑयल को भी आप आईब्रो में ऐसे लगा लीजिए और उसे आपको रात को भी लगाना है। रात को लगाओगे तो इजिली आपका जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए जो भी हम चीजें अप्लाई करते हैं अपने बॉडी में, अपने फेस पे, हेयर में, तो रात को करें तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसीलिए हमें रात को अपने आईब्रो पे कैस्टर ऑयल लगा लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, कम लगाना है, वरना फिर अगर फेस के ऊपर आया तो फिर पिंपल्स आ जाएंगे, ऑयल जनरेट हुआ तो फिर मुझ पे ब्लेम आएगा, मीनल ने बोला और हाँ ये हो गया। सो प्लीज केयरफुल। और तो चलिए इसी बात पे लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और मेरा फैशन पॉइंट इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी प्लीज फॉलो करिए, और अगर आपको इस तरह से डिजाइनर कपड़े चाहिए तो वहां पे आप मिल जाएगा इजिली, तो आप वहां पे जाइए और देखिए, और बहुत ही अच्छे है, रिजनेबल रेट में अच्छा मटेरियल है तो आपको मिल जाएगा अच्छे से। और
दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, जैसे हम अपने फेस पे कौन सा हेयर कट करें, हमें कौन सा फेशियल यूज करना है, इस टाइप की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो डीएम करके, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ऑरो ब्यूटी केयर, तो वहां पे आप मुझे फॉलो करके आप मुझे वहां पे डीएम करके पूछ सकते हो। अगर आपकी कुछ भी ब्यूटी फैशन हेयर स्टाइल हेयर कट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इजिली मुझे वहां पे पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।